भगवति नंदा नंदा ऊजा कैलासा की जय चौसिंगा खाडू तेरी छतोली रिंगाला की जय जय बोला तेरु चौसिंगा खाडू तेरी छतोली रिंगाला की जय जय बोला जय भगवती नंदा नंदा ऊजा कैलास की जय जय बोला पौराणिक काल से चल रही लोक मान्यता के अनुसार ऋषास भूमि के हेमंत ऋषि एवं मैणावती की लाडली कन्या नंदा जिसे लोक गीतों में गौरा नाम से भी जाना जाता है का विवाह कैलाशवासी भोले शंकर से हुआ। निर्जन बियावान कैलाश की नीरवता में रहते रहते नंदा की कोमल भावनाएं मुरझा गईं। औघड़ शिव के साथ कैलाश का कठोर जीवन जीते जीते 12 वर्ष बीत गए, किंतु नंदा के मायके वालों ने उसकी सुधि नहीं ली। उन्हें याद दिलाने के लिए निराश नंदा ने ऋषासों में दुर्भिक्ष उत्पन्न कर दिया। तब उन्हें नंदा की याद आई और नंदा को आदर सहित मायके बुलाया गया। मायके के वैभव का कुछ दिन आनंद लेते सखियों के साथ नाचते खेलते एक दिन नंदा फिर अपने ससुराल चली गई। नंदा को विदा करने उसके धर्म भाई हीत बिनसर ध्यो सिंह भौ सिंह के साथ साथ हजारों ऋषि मुनि देवी देवता एवं स्थानीय नर नारी छाया चौरड़ी तक गए। चांदपुर गढ़ी के राजाओं द्वारा प्रारंभ की गई इस परंपरा का निर्वहन आज भी उत्तराखंड का लोकमानस पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करता आ रहा है। हर 12 वर्षों में विधिवत पूजा अनुष्ठान के साथ भगवती नंदा की कैलाश विदाई के इस लोक उत्सव को ही नंदा देवी राजजात कहा जाता है। हर 12 साल के बाद कासुवा कुवरों के परिवार के किसी एक व्यक्ति को कुलदेवी का स्वप्न आता है। वो कहती है नंदा देवी के जात की तैयारियां शुरू करो। फिर भव्य तैयारियों के बीच रिंगाल से बनाई जाती है माँ नंदा देवी की पवित्र छंतोली। फिर जन्म लेता है एक चौसिंगिया मेढ़ा कासुवा गांव के समीप, जिसे गढ़वाली में लोग चौसिंगा खाडू कहते हैं। विशेष पूजा अर्चना के बीच शुरू होती है तैयारी चौसिंगे मेढ़े को नौटी नंदा देवी के मंदिर में पहुंचाने की। छतोली रिंगाला की जय जय बोला तेरु चौसिंगा खाडो तेरी छतोली रिंगाला की जय जय बोला जय भगवती नंदा नंदा ऊजा कैलास की जय जय बोला। विशेष पूजा अर्चना के बीच शुरू होती है तैयारी पवित्र छंतोली और चौसिंगे मेढ़े को नौटी नंदा देवी के मंदिर में पहुंचाने की।
नंदा और भगवती दो बहनें थी। नंदा जो है कर्णप्रयाग में बोलते हैं नहाने के लिए जा रही थी इस बार, तो चलने के बाद में जब नोटिस आगे निकली है तो उस पर जगह दिखाई थी कांसा गांव पे। तो कांसा गांव एक फेमस गांव है, राजा का गांव है, आपको पता है। तो उन्होंने बोला कि जो है मेरा मायका रहेगा, और मायका होने की वजह से जो है मैं हर 12 साल में कांसा गांव वालों के एक तरह से दोष लगूंगी। तो उसका मतलब है कि मैं उसको जो है उदित करूंगी कि भाई तुम मुझे कुछ दो। तो नंदा ने जो है 12 साल के बाद में जो है कांसा गांव के जो थोकदार है, मतलब एक तरफ से प्रिंस लगा लगा उनको उनको, तो वो मनोती लेकर के नोटी गांव में जाते हैं जो कि हमारे यहाँ के पुरोहित है। और जो है मनोती करते हैं कि भाई हम आपकी जो है जात मिलेंगे, मतलब कि आपको जो है मायके से और ससुराल को भेजेंगे। ऐसा है सर, हमारी कुल देवी गांव की जो है माँ भराड़ी देवी है। भराड़ी देवी जब जो है गांव पर दोष लगती है तो भराड़ी देवी बोलती है कि मेरी बहन की पुकार करो, मेरी बहन की मनोती करो, तब जो है हम इस जात के पीछे अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं।
तेरा बाला को गोरा के मुंग छोड़ेली गायों का गोछारे गोरा के मुंग सौंपेली जाली तो जाली गोरा जाली के का साथ रात दिन गोरा तेरो कानो मैत होए रात दिन गोरा तेरो कानो मैत होए राजगुरुओं यानी नौटियाल का मूल गांव है। बताया जाता है कि नौटी का प्राचीन नाम गोदी था। कांसुवा के कुंवर रिंगाल की बनी पवित्र छंतोली और चौसिंगे मेढ़े को लेकर अपने नौटियाल पुरोहितों के गांव नौटी पहुंचते हैं। पहले यहां पशु बलि की भी प्रथा थी, परंतु ये सन 1927 से बंद कर दी गई है। उफराई देवी नौटी गांव की भूमियाल है। राजजात से पूर्व भूमियाल देवता की बड़ी पूजा मिंडवी होती है, जो सन 1996 में हो चुकी है। समुद्र तल से 1650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नौटी में भगवती नंदा का भूमिगत श्रीयंत्र है। इसके ऊपर मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। नौटी राजगुरुओं यानी नौटियाल का मूल गांव है और यहां रहने वाले आध गौड़ ब्राह्मण नौटियाल कहलाए जाने लगे। नौटी का नौटियालों की सेम का सेमालों की नंदा राज राजे सुरी देवाले का देवलियों की नोना का नवानियों की नंदा राज राजे सुरी देवी नंद के सरी की छह कुड़ा का सतियों की बारथों की बामुड़ों की नंदा राज राजेश्वरी मेरी उम्र 62 साल है। तो आप ये पूरी यात्रा पैदल तय कर लेंगे? हाँ बिल्कुल हिम्मत है। जा रहे हो? जो भी घूम रहे थे सर्दी से है, हम भी वही जा रहे हैं। बड़ी जा रही है तो नौटी में यात्रा के शुभारंभ पर अपार भीड़ होती है। गांव की सीमा तक गांव के नर नारी बाजे गाजे व भंकोरा सहित भगवती नंदा को छोड़ने जाते हैं। वैसे पहले दिन तो भगवती पूला लेने इड़ा बधानी जाती हैं, दूसरे दिन फिर वापस नौटी आती हैं।
यात्रा में आगे आगे चार सिंह का मेढ़ा और रिंगाल की पवित्र राज छंतोली जाती है। मार्ग में छंतोली, लुईज, सिलंगी, चौडली और हेलुरी में नौटियाल थोकदारों के गांव में पूजा पाकर यात्रा जुणूस कर्णप्रयाग के करीब इड़ा बधानी गांव पहुंचती है। से इड़ा बदानी तक पैदल 10 किलोमीटर की यात्रा है। ये एकमात्र पड़ाव है जो नगर क्षेत्र कर्णप्रयाग के अंतर्गत है। इड़ा बदानी समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भगवती नंदा इड़ा बदानी क्यों आती हैं? इसके पीछे एक कहानी नंदा देवी के लोक गीतों एवं जागरों में है। एक बार नंदा देवी ऋषिकेश से कैलाश जा रही थी और वो कर्णप्रयाग के कर्ण कुंड में स्नान करने लगी। तभी उनकी नजर इड़ा बधानी गांव पर पड़ी। उन्हें ये गांव अच्छा लगा। वो यहां आई तब इड़ा बधानी के आदि पुरुष जमन सिंह जडौदा ने भगवती नंदा का भव्य स्वागत किया। भगवती खुश हो गई। तब जमन सिंह जडौदा ने भगवती से प्रार्थना की कि जब जब आप कैलाश जाएंगी मेरी पूजा अवश्य लेती जाना।
माँ नंदा देवी ने कहा कि मेरे साथ बड़ी संख्या में मेरे मैती अर्थात मायके वाले होंगे। तुम्हारी संतानों को उनकी आवभगत में बहुत परेशानी होगी। तब जमन सिंह जडौदा ने कहा कि भगवती, मैं वचन देता हूं, मेरे वंशज खुशी से आपकी पूजा करेंगे और मैतियों का भव्य स्वागत करेंगे। इसी वचन को निभाने के लिए नौटी से कैलाश की ओर प्रस्थान करने के पूर्व भगवती इडा बधानी हर राजजात में पूजा लेने आती हैं। सदियों से इडा बधानी में रह रहे जमन सिंह जडौदा के वंशज भगवती नंदा को दिए गए वचन को निभा रहे हैं। इडा बधानी पहुंचने पर मंदिर तक गाढ़े का थान बिछाकर भगवती नंदा देवी का स्वागत किया जाता है। यहां पर दूर दूर से आए देवी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। रात भर देवी की पूजा अर्चना होती है। और सुबह आती है विदाई की बेला। तब पूरे ग्रामवासी व दूर दूर से आए भक्तों का जमावड़ा देवी मंदिर के प्रांगण में शुरू हो जाता है। कीड़ा बधाना की जमन सिंह जादोड़ा की कांसुआ कुंवरू की नंदा राज राजेश्वरी सत्यों की बारथों की बामुड़ों की नंदा राज राजेश्वरी जय जय बोला दसम द्वारी डोली डोली कुरुड़ ही डोली की जय जय बोला। फिर मां नंदा की पवित्र छंतोली और चौसिंगे मेढ़े यानी खाडू की आखिरी विदाई नरसिंह मंदिर से की जाती है। मारे काटी मरियों की मलेठा मलेठियों की नंदा राज राजेश्वरी कोटी का ढूंढियों की खंडूड़ा खंडूड़ियों की नंदा राज राजेश्वरी नैनी का नैनवालू की गैरोला थपल्यालू की चेपड़ियों का थोक दारू की नंदा राज राजेश्वरी जय जय बोला खीत घंडियाल तेरा न्यो जा निशाना राजजात क्रमशः एक बार फिर मुड़ती है नौटी की तरफ। हैं
और राजजात, मार्ग में रिठौली, दियारकोट, कुकड़े, पुड़ियारी, कनौट, झूड़कंडे व नैणी गांवों में पूजा लेकर रात्रि विश्राम हेतु नौटी पहुंचती है। हिमालय की गोद में बसी गढ़वाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियां जैसे दुनिया भर की खूबसूरती को अपने में समेटे सीना ताने खड़ी हों। राजजात क्रमशः एक बार फिर नौटी पहुंचती है। इसी दिन भगवती नंदा की ससुराल के लिए हलवा, पिंजरी, गुड़ पापड़ी आदि बनाए जाते हैं। मंदिर में रात भर जागरण होता है। अगली सुबह नौटी से नंदा देवी राजजात की कैलाश के लिए विदाई के इस दिन गांव के नरनारी, बच्चे, बूढ़े, गांव की सीमा तक भगवती नंदा के पथ प्रदर्शक चौसिंगे मेढ़े और पवित्र रिंगाल की बनी भगवती की छंतोली को नम आंखों से विदा करते हैं और यात्रा कांसुवा की तरफ रवाना होती है।
कांसुवा में राज राजेश्वरी नंदा देवी की स्थापना राजकुंवरों के मूल घर में की जाती है। कुंवर बलवंत सिंह जो कुंवर परिवार के मुखिया हैं। महाराज के छोटे भाई को जो कि इस गांव में बसे हुए हैं, इस साल मैं आगे राजजात की यात्रा के लिए अपने पुत्र डॉक्टर कुंवर राकेश को ये कर्तव्य निभाने के लिए आदेश दे रहा हूँ और पूरी वो यात्रा माँ नंदा का आशीर्वाद उसको रहेगा और ये यात्रा संपूर्ण रूप से पूर्ण करने के बाद सफल होगी। ये राजजात जो है सन 5 में इस 20वीं सदी में सन 5 सन 25 सन 51 सन 68 सन 87 और इसके बाद ये सौभाग्य मिल रहा है हमें ये 13 साल बाद ये 2000 में हम करने जा रहे हैं। हमारी जो कुल देवी माँ नंदा है ये शिव की अर्धांगिनी है। तो हमारे पहाड़ में 95% लोग जो नंदा देवी है उसी को दुर्गा भवानी कहते हैं, उसके उपासक हैं। और पहाड़ का एक ऐसा रिवाज है कि माघ महीने में हम अपनी बेटियों को अपने घर में बुलाते हैं और उसके बाद उनको विदा करते हैं। जब भी हम राजजात करते हैं उस समय उसी रीति के लिहाज से मायके से उनको उनके ससुराल में भेजते हैं, जो कि आखिरी पूजा हमारे भूमकुंड में होती है। यही प्रथा परंपरा बनी है। पूजन की तैयारियां जात के आंगन में पहुंचने से पूर्व ही कर ली जाती है। नर नारी आंखें बिछाए कुंवर के आंगन में बेसब्री से जात के पहुंचने का इंतजार करते हैं। सात पांच आंगन में पहुंचते ही भव्य स्वागत होता है और पूजा शुरू हो जाती है। नौटी के नौटियाल ब्राह्मण देवी के भीड़ से झूमते हुए आंगन में आशीर्वाद का संकेत देते हैं। कुंवर पूजा की वेदी पर बैठे दृढ़ संकल्प लेते हैं मां नंदा देवी की यात्रा को सकुशल हिमालय के होमकुंड में पहुंचाने की। ¶¶
गान गाए जाते हैं। फिर नम आंखों से विदा करते हैं माता नंदा देवी की यात्रा को। फिर माँ नंदा देवी की राज यात्रा पवित्र छंतोली और चौसिंगे मेढ़े को लिए सेम गांव के लिए रवाना होती है। फिर राजजात पहुंचती है चांदपुर गढ़ी के करीब, जहां लाखों श्रद्धालु नर नारी माँ नंदा देवी की यात्रा के दर्शन हेतु आस लगाए बैठे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों में जन समुदाय का सैलाब उमड़ आया हो। धीरे धीरे चांदपुर गढ़ी के प्राचीन किले के अवशेष में प्रवेश कर किले की परिक्रमा करती है। चांदपुर गढ़ी में गढ़वाल नरेश के राज परिवार की ओर से भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। किले की प्राचीर पर स्थित हैं काली देवी व कैलावीर के मंदिर। इन मंदिरों में पूजा करने के लिए काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं। मी
माँ नंदा देवी की यात्रा रात्रि विश्राम हेतु सेम गांव के लिए रवाना होती है। कोटी गांव समुद्र तल से 1630 मीटर ऊपर है। अगली सुबह कोटी गांव में यात्रा के स्वागत की तैयारियों में कोटी गांव को बहुत सजाया जाता है। नर नारी बच्चे बूढ़े और जवान यात्रा के स्वागत की तैयारियों में जुटे होते हैं। नंदा देवी के नए मंदिर को सजाया जाता है, जहां से होकर राजजात गांव में नंदा देवी के पुराने मंदिर में पहुंचेगी। पुराने मंदिर में महिलाएं जागर गीतों से देवी आगमन के स्वागत गीत गाती झूम रही होती हैं। मंदिर में माँ नंदा देवी का आह्वान शुरू होता है। लाटू निकल पड़ता है गांव के सीमांत पर माँ नंदा देवी की अगवानी की खातिर। कोटी गांव ड्यूढ़े ब्राह्मणों का मूल गांव है। ये राजवंशी कुंवरों के आमंत्रण पर दो दिन पूर्व कांसुआ गांव भगवती को लेने पहुंचते हैं। यात्रा नंदा देवी मंदिर नंदा कुंड में पहुंचती है। यहां पर विशेष पूजा होती है। लोग कतारों में खड़े होते हैं माँ नंदा देवी की राजजात के आगमन के इंतजार में। इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है जब श्रद्धालुओं को माँ नंदा देवी की राजजात के दर्शन होते हैं।
और लाटू देवता माँ नंदा देवी का अभिवादन कर भागता है गांव की तरफ, ये सूचित करने कि माता नंदा देवी की राजजात कोटी गांव पहुंच गई। कोटी गांव के नए मंदिर में खासा जमघट लग जाता है चौसिंगे मेढ़े और राजजात छंतोली के प्रथम दर्शन करने के लिए। राजजात नए मंदिर में पहुंच पूजा अर्चना करके कोटी गांव के प्राचीन नंदा देवी मंदिर की तरफ प्रस्थान करती है। यहीं पर खंडोरा, रतोरा, चूल्हा कोट, थापली और बगोली के लाटू की छंतोली और स्वरका का केदार यात्रा में शामिल होते हैं। भगोती से केदारु देवता की छंतोली भी यात्रा में शामिल होकर कुलसारी के लिए रवाना होती है। कुलसारी ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है। ये समुद्र तल से 1060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर राजजात हमेशा अमावस्या के दिन ही पहुंचती है। अमावस्या की काली रात को काली यंत्र भूमि से निकालकर पूजा जाता है। यहां कुलसारा ब्राह्मण ही भगवती के पुजारी हैं। कालीसार रूप में काली की पूजा करने से ही इस स्थान का नाम कुलसारी पड़ा और उसके पुजारी यहां पर निवास करने वाले कुलसारा ब्राह्मण हुए। जय जय बोला जय भगवती नंदा नंदा ऊंचा कैलाश की।
नंदा देवी का अगवानी है, जो भी आगे चलता है वो यहाँ जो है बताते हुए आगे जाता है। इसको जो है महीने को नौ दिन आते हैं, जो कि जो है नौ चीज कार से लेकर भोजित तक जो है माइक है और जोर बदलाई जगह जो कि नारगढ़ के ऊपर है वहाँ से जो है जो कि होम गोने जो है चलते हैं और बारह थाना की जो है बारह छुट्टी जाती है जिसमें जो है भगवती का धातु सम्मिलित होता है। उसके बाद जो मिल जाती है पर विशेषकर जो है बारह छुट्टी प्रसिद्ध है। सारी की देवी उपराई की नंदा राज राजेश्वरी बगोली का लाटू की गीत पीणे सर की नंदा राज राजेश्वरी कीड़ा बधाना की जमन सिंह जादोड़ा की कांसुआ कुंवरू की नंदा राज राजेश्वरी कुलसारी से जब यात्रा चलती है तो यात्रियों का जमघट देखते ही बनता है। जहां तक निगाह जाती है पतारों में यात्रियों के झुंड ही झुंड दिखते हैं। देवी नंद के सारी की छह कुड़ा का साथियों की बारथों की बामुड़ों की नंदा राज राजेश्वरी जय जय बोला। दसम द्वारी डोली डोली कुरुड़ ही डोली की जय जय बोला। जय भगवती नंदा नंदा उजागे लास की जय जय कुलसारी से चलकर थराली पहुंचती है। थराली में बहुत बड़ा मेला लगता है। मालारी की सेलेसर बनोली की नंदा राज राजेश्वरी मनोड़ा मनोड़ियों की देवराड़ा देवराड़ियों की नंदा राज राजेश्वरी चमोली कांडवालू की चौदह। थराली के पास ही देवराड़ा गांव है जहां राज राजेश्वरी नंदा देवी प्रतिवर्ष छह महीने रहती हैं और छह महीने कुरुड़ यानी दसौली में रहती हैं।
वाले अल्मोड़ा की रण चूल्हा बेजना था की नंदा राज राजे सुरी कोट माई डांगोली की दानपुर सानेती की नंदा राज राजे सुरी बदिया बागेश्वर की मरतोली जोहार की थल मिलम मकाया की नंदा राज राजेश्वरी इष्ट देवी नंदा नंदा कुमो गढ़वाल की जय थराली से यात्रा चेपुड़ियों के लिए चलती है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और सुंदरता की छटा बिखेरती गढ़वाल हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियां सीना ताने खड़ी हैं। पहाड़ों का महाकुंभ नंदा देवी की राजजात यात्रा जो हर 12 सालों के बाद शुरू होती है और नौटी से चलकर होमकुंड में नंदा घुंघटी चोटी के नीचे आकर खत्म होती है। पिछहत्तर साल के बाद सन 2000 में गरुड़ बैजनाथ और कोट ब्रह्मा की कटार कुमाऊं की यात्रा के साथ नंदा देवी राजजात में शामिल होने चली। नंदा राज राजेश्वरी बदिया बागेश्वर की मरतोली जोहार की
फल मिलम मकाया की नंदा राज राजेश्वरी इष्ट देवी नंदा नंदा कुमो गढ़वाल की कुमाऊं की यात्रा गरुड़ बैजनाथ से होते हुए भगवती मंदिर की तरफ बढ़ती है। अल्मोड़ा कुमाऊं की यात्रा की अगवानी कुमाऊं के चंद वंशीय राज परिवार के व्यक्ति करते हैं। सन 2000 में 75 साल बाद निकलने वाली यात्रा की अगवानी चंद वंशीय केसी बाबा ने की। असंख्य यात्री श्रद्धा पूर्वक महानंदा देवी की यात्रा में नाचते गाते हुए
यात्रा की शोभा बढ़ाते हैं। यात्रा का दृश्य बड़ा ही भव्य होता है। Thank you.
यात्रा भगवती मंदिर पहुंचती है। मृदंग नगाड़ों के बीच श्रद्धालुओं का जमाव मंदिर के प्रांगण में शुरू होता है। यहां मंदिर की परिक्रमा की जाती है। फिर विशेष पूजन के लिए छंटोली भगवती के मंदिर में ले जाई जाती है। चाहता हूं कि इस राजजात जो अल्मोड़े से चलती है, इसका प्राचीन इतिहास कुछ बताएंगे। इसका जो प्राचीन इतिहास है, ये चलती थी गढ़वाल से नौटी गांव से। करीब 75 साल बाद कि हमारे यहां से अल्मोड़े से यात्रा चल रही है। फिर शुरू होता है झोड़ों का दौर। पहले पुरुष कतारों में खड़े हो गोला बनाकर झूम झूम कर देवी के स्वागत में झोड़े गाते हैं। उसके बाद औरतें भी संयुक्त रूप से पुरुषों की कतार में शामिल होती हैं और पुरुष महिलाओं का संयुक्त झोड़ा गायन आरंभ होता है। लाठू निकल पड़ता है देवी की अगवानी करते हुए। अक्सर श्रद्धालु महिलाओं पर देवी का भीड़ आता है। इसे लोग देवी के आगमन का संकेत मानते हैं। और सारी रात पूजा अनुष्ठान के बीच गुजरती है। अगली सुबह कुमाऊं की यात्रा मुख्य नंदा देवी राजजात में 75 वर्षों बाद सन 2000 में शामिल होने के लिए नंद केसरी की खातिर रवाना हुई। चेपुड़ियो बुटोला थोकदारों का गांव है। यहां पर हरवाल थोकदार भी रहते हैं। प्रमुख कुलेरवि रावत थोकदार यहां पर निवास करते हैं। ये स्थान समुद्र तल से 1210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मुख्य राजजात चेपुड़ियों से नंद केसरी के लिए रवाना होती है, जहां अल्मोड़ा और करुण के जातों के साथ समागम होता है। जय भगवती नंदा नंदा ऊंचा कैलाश की।
दूसरी तरफ कुरुड़ की नंदा देवी की डोली मुख्य राजजात में शामिल होने के लिए नंद केसरी की तरफ बढ़ती है। साथ ही अन्य चौसिंगे मेढ़े भी मुख्य जात में शामिल होने नंद केसरी की तरफ बढ़ते हैं। श्री नंदा देवी राज जात का पड़ाव पहली बार सन 2000 में नंद केसरी में रखा गया। कारण इस वर्ष यात्रा में सप्तमी और अष्टमी के मिलान पर पूजा हो रही थी जो फलदायक नहीं थी। ज्योतिष गणना के आधार पर अष्टमी व नवमी के मिलान पर होम कुंड में पूजा के शुभ एवं फलदायक मुहूर्त के लिए नंद केसरी में एक पड़ाव बढ़ाना पड़ा। नंद केसरी समुद्र तल से 1210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नंद केसरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है मां नंदा देवी के राजजात के दर्शन के लिए। राजजात के स्वागत हेतु स्वागत टोली सजाकर नंद केसरी के मंदिर द्वार की तरफ पहुंचती है। और इंतजार की घड़ियां खत्म होती है और पहुंचती है मुख्य राजजात नंद केसरी। देवी नंद केसरी की छह कुड़ा का सत्यों की बारथों की बामुड़ों की नंदा राज राजेश्वरी दसम द्वारी डोली डोली कुरुड़ ही डोली की जय Thank you.
नंद केसरी में बधाण की राज राजेश्वरी नंदा देवी की डोली मुख्य राजजात में शामिल होती है और अपनी बहन की अगुवाई करती है। यहाँ पर कुमाऊं से यात्री बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल होते हैं। सन 2000 की यात्रा में अल्मोड़ा की नंदा तकरीबन 75 सालों के बाद शामिल हो रही है। नंद केसरी के संदर्भ में दंत कथाओं में ये प्रचलित है कि एक बार नंदा देवी कैलाश की ओर जा रही थी तो उनका केश यानी बाल सुरही के पेड़ पर अटक गया। उन्होंने शिव को याद किया और शिव प्रकट हुए मगर कुछ ना कर पाए। तब शिव ने भैरव को याद किया, भैरव ने प्रकट होकर सुरही में छिपे दैत्य को मारा। इस तरह नंदा के केश उलटने के कारण इस स्थान का नाम नंद केसरी पड़ा। मुख्य राज जात अल्मोड़ा और करुण के जातों के साथ समागम होता है। नंद केसरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। नंद केसरी से यात्रा हल्दिया गांव के लिए प्रस्थान करती है।
हेकल छाड़ी पूर्ण सेरा देवाल होते हुए राजजात यात्रा रात्रि विश्राम हेतु फलदिया गांव पहुंचती है। ये स्थान समुद्र तल से 1480 मीटर की ऊंचाई पर है। और अगली सुबह यात्रा हल्दिया गांव से आगे तिलफाड़ा लुआणी बड़ियारगढ़ से होते हुए मुंदोली के लिए प्रस्थान करती है। मुंदोली समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर है। मुंदोली गांव के लोग बड़े हर्षोल्लास से राजजात के आगमन पर स्वागत की तैयारियों में जुट जाते हैं। राजजात यात्रा रात्रि विश्राम के लिए मुंदोली पहुंचनी शुरू होती है। चढ़ाई का है, कठिन है, मुश्किलों से भरा है। घोरे रो रानी बलम्बा
घरे रो रानी बलम्पा तेरो छे राज रजवाड़ो जी घरे रो घरे रो रानी बलम्पा। कुंडोली में देवी की डोलियों व छंतोलियों का भव्य पूजन होता है। फिर राजजात मुंडोली से अगले पड़ाव के लिए रवाना होती है। राजजात यात्रा लोहा जंग से होकर बाण के लिए चलती है। लोहा जंग यानी ल्वाजिंग एक मनोरम स्थल है। यहाँ से हिमालय काफी नजदीक दिखाई देता है। पूरे बंधाण परगना व कुमाऊं की पहाड़ियां दूर दूर तक दिखाई देती हैं। लोक गीतों के आधार पर बताया जाता है कि भगवती नंदा ने यहाँ पर लोहासार नाम के दैत्य का संहार किया था। उसके साथ हुए जंग की स्मृति में इस स्थान का नाम ल्वाजिंग पड़ा। लोहा जंग समुद्र तल से 2340 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो यात्री संपूर्ण यात्रा में भाग नहीं ले पाता है और दुर्गम हिमालय क्षेत्र की यात्रा करना चाहता है या जिनके पास समय की कमी होती है, वो अपनी यात्रा मुंडोली या लोहा जंग से शुरू करते हैं, क्योंकि यहां से शुरू होती है हिमालय की दुर्गम यात्रा। यहाँ पर सुरही के पेड़ों पर घंटियां बंधी होती हैं।
बाढ़ गांव के करीब पहुंचकर विश्राम करते हुए यात्रा बाढ़ गांव पहुंचती है। बाण गांव के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। बाण समुद्र तल से 2340 मीटर की ऊंचाई पर है। यात्रा के बाण पहुंचने पर भगवती का भव्य स्वागत होता है। श्रद्धालुओं वह यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ती है। में कपीरी, कुमाऊं, दशौली, बधौण, पैनखंडा आदि क्षेत्रों के देवताओं की डोलियां, निशान, कटार व भोजपत्र की छंतोलियां शामिल होती हैं। बाण गांव में 200 से अधिक देवी देवताओं का मिलन होता है। बाण गांव यात्रा का अंतिम गांव है। यहां से आगे कोई गांव नहीं है। बहुत से यात्री बाण से भी यात्रा शुरू करते हैं। दशोली, दशम द्वार, लाटा, अल्मोड़ा, कुरुण बधाड़ की नंदा देवी की डोलियां सज धज के साथ राजजात यात्रा में चार चांद लगाती है। भगवती नंदा के लोक गीतों के अनुसार बाण गांव वालों को भगवती नंदा ने आदेश दिया है कि जिस दिन हमारी यात्रा तुम्हारे गांव में आएगी उस दिन तुम्हें अपने घरों पर ताले नहीं लगाने होंगे और मेरे साथ आए यात्रियों की सेवा करनी होगी। जो आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे कुष्ठ रोग लगेगा। तब से आज तक बाण गांव के लोग अपने मकानों की सफाई कर यात्रियों के लिए खुला छोड़कर खुद सपरिवार गौशालाओं में चले जाते हैं।
रोंगो खिलौणा बेला को ना रोंगो है सोण्या बाण के प्रसिद्ध लाटू देवता के भीतरी कपाट इसी दिन खोले जाते हैं। बाण से बाण का प्रसिद्ध लाटू व चार सिंह का मेड़ा राज जात का पथ प्रदर्शक होता है। लाटू देवता के भीतरी कपाट इसी दिन खोले जाते हैं और पूजा कर अगली रात जात तक के लिए बंद कर दिए जाते हैं। लाटू देवता का मंदिर देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। बाण से यात्रा आगे बढ़ती है। बाण से आगे ऋण की धार है, जहां देवी ने अंतिम दैत्य का संहार किया था।
आगे यात्री द्वाणी गुएट दाड़ी झली होकर घनघोर जंगलों के बीच चढ़ाई चढ़ते हुए गरौली पातल में विश्राम करते हैं। मगर यहां पर कोई व्यवस्था न होने के कारण अधिकांश यात्री वैतरणी पहुंचते हैं। यात्री वैतरणी पहुंचते हैं, जिसे अब वेदनी, वेदनी कुंड या वेदनी बुग्याल के नाम से पुकारते हैं। समीप से मीलों लंबा ढालदार आली बुग्याल है। यहीं से नाना प्रकार के फूल, वनस्पतियां, जड़ी बूटियां मिलनी आरंभ होती हैं। बधाणी की राज राजेश्वरी नंदा देवी प्रतिवर्ष कुरुड़ से सप्तमी को डोली में वेदनी तक पहुंचकर 6 महीने प्रवास के लिए देवराडा जाती हैं। कुछ वर्ष से पर्यटन विभाग भी इस अवसर पर रूपकुंड महोत्सव आयोजित प्रतिवर्ष कर रहा है। यहाँ पर हिमालय की तलहटी में एक सुंदर कुंड है, जिसे वेदनी कुंड कहते हैं। दौली जसी फाट देवी लस्युंडा। वृक्षों की पाली को गैरोली पातल से ही विदा दी जाती है। यहाँ महेश मर्दनी का मंदिर है। घाट देवील दो पेलो बांधीले साकुरी लगा
गेले देवीला मोत्युंगा झाला रा कुंड में स्नान परिक्रमा की परंपरा है यहाँ पर गढ़वाल के राजवंशी कौरव द्वारा रूपकुंड के शहीदों के लिए पिंड तर्पण दिए जाते हैं Go.
जात लागी छ नन्दा देवी भवे जात लागी छ नन्दा देवी भवे जात लागी छ नन्दा देवी की वे जात लागी छ नन्दा देवी को भगवान को थी नन्दा देवी को आसन रंग नन्दा देवी को आसन रंग नन्दा देवी को है संग चालो वे नन्दा देवी को आदर रखे नन्दा देवी को वेदिनी कुंड से यात्री दल पातर नचौड़िया पहुंचता है। यात्री दल पातर नचौड़िया पहुंचता है। यहीं पर पूजा के बाद विश्राम होता है। इस स्थान का नाम पहले निराली धार था, लेकिन 14वीं शताब्दी की बात है कि कन्नौज के राजा जस धवल यात्रा की परंपराओं का उल्लंघन करते हुए राजजात में शामिल हुए थे। यहां पर उन्होंने नर्तकियों से नाच कराया था, जो देवी कोप से शिलारूप हो गई। तभी से इस स्थान का नाम पातर नचौड़िया पड़ा। यहां से यात्रियों की सांस फूलने लगती है। 1968 व 1987 की यात्राओं में यहीं से प्रारंभ हो गया था बीमार यात्रियों का लौटना। फलों ब्रह्म कमल की सुगंध का नशा भी लगने लगता है। सूखे फल अचार ग्लूकोज अवश्य साथ रखना चाहिए। पातर नचौड़िया से तेज चढ़ाई पार कर यात्रा कैलवा विनायक पहुंचती है। यहां से नंदा घुंघटी व त्रिशूली पर्वत के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। बताया जाता है कि यहां पर कैलवा नाम का गण था, जिसे देवी ने वरदान दिया था। कैलवा विनायक से आगे बगुआ वासा स्थान है, जहां भगवती नंदा देवी के वाहन बाघ का निवास होने के कारण इस स्थान का नाम बगुआ वासा पड़ा। रूप कुंड के नीचे इस स्थान पर भगवत ने नाग को स्थापित किया। यहां पर चट्टानी भाग सर्पिली पगडंडी होने से बड़ी मुश्किल से यात्रियों को अपनी मंजिल पार करनी पड़ती है। कई वापस आ जाते हैं। कृपया करो
रूपकुंड पहुंचकर यात्री इस रहस्यमय बर्फीली झील को देखकर अपनी थकान दूर करते हैं। यहां आज भी 14वीं शताब्दी के राजा जस धवल के यात्री दल के अस्थि पंजर पड़े हुए हैं। इस कुंड के चारों ओर ब्रह्म कमल खिले हुए होते हैं। रूपकुंड की उत्पत्ति के विषय में नंदा देवी के लोक गीतों में कहा जाता है कि विवाह के बाद शिव के साथ पूर्ण श्रृंगार किए हुए नंदा देवी हिमालय जा रही थी। उन्हें यहां पर प्यास लगी, शिवजी से याचना की। उन्होंने वहां पर त्रिशूल मारकर कुंड का निर्माण किया। तब नंदा देवी ने अंजुलियों से कुंड में झुककर अपनी प्यास बुझाई। कुंड में अपने श्रृंगार का प्रतिबिंब देखने पर नंदा खुश हुई। शिव ने इस कुंड का नाम रूप कुंड रखा। रूपकुंड से आगे जीवरागली धार पूरे यात्रा मार्ग का सर्वाधिक कठिन भाग है। होमकुंड पहुंचने से पहले जीवरागली को पार करना होता है, जो कठिन और साहसिक यात्रा की एक कड़ी है। यात्री दल शिला समुद्र रात्रि विश्राम करता है। शिला समुद्र से सुबह यात्री दल होमकुंड के लिए रवाना होता है। यात्री दल अपनी मंजिल होमकुंड, जो 13,200 फीट की ऊंचाई पर है, पहुंचता है।
यहाँ पर सभी मायके वाले अपनी छंतोलियों को विसर्जित करते हैं। यज्ञ होता है। चार सींग के मेढ़े, देवी और उसके साथ आए 200 से अधिक देवी देवताओं की पूजा होती है। चौसिंग को सजाकर अनंत कैलाश के लिए विदा किया जाता है। विदाई के इस मौके पर चार सींग के मेढ़े की आंखों से अश्रुधारा गिरने लगती है। यात्रीगण भी इस दृश्य को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाते। यहाँ पर होम कुंड है, इसीलिए इस स्थान का नाम होम कुंड पड़ा है। यज्ञ होता है। चार सींग के मेढ़े, देवी और उसके साथ आए 200 से अधिक देवी देवताओं की काली कोले सारी की देवी उपराई की नंद राज राजेश्वरी बगोली कलाटू की गीत बीणे सर की नंद राज राजेश्वरी कीड़ा बधाना की जमन सिंह जादोड़ा की कांसुआ कुंवरू की नंद राज राजेश्वरी में यात्रा विसर्जन के बाद यात्री दल वापस चंदनिया घाट सुतोल सितेल से होते हुए घाट पहुंचता है। आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। जो ये राजजात हुई है इसमें पूरे उत्तरांचल की देवी देवताओं की यात्राएं आई हैं, इस विषय में आप थोड़ा कुमाऊं की जो जात यात्रा आई है उस थोड़ा बताएं। देखिए 75 साल बाद कुमाऊं से जात आई है जिसमें न सिर्फ अल्मोड़े की नंदा देवी बल्कि जो गरुड़ बैजनाथ की जो कोट भ्रामरी का कटार भी इसमें आया है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। और किन्हीं कारणों से 75 साल पहले ये प्रक्रिया ये सिलसिला टूट गया था और अल्मोड़ी की जात का आना एक तरीके से इसको एक अखिल उत्तराखंडी जात बनाता है और इतनी बड़ी हिस्सेदारी इस बार लोगों की इसमें रही। और एक प्रकार से ये उसी वर्ष में हुआ है जिस वर्ष से उत्तराखंड राज्य की घोषणा हुई है, इसलिए भी इसका एक बड़ा ऐतिहासिक संदर्भ इसके साथ जुड़ जाता है कि नंदा जात जो है वह एक तरीके से बहुत सारे सामान्य आदमियों का जोखिम भरा एक तरीके से अभियान भी है जिसको एक
लेमन्स एडवेंचर भी आप कह सकते हैं। जब 20-25 हज़ार आदमी इतने कठिन यात्राओं से मार्गों से होते हुए यात्रा कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और इतनी लंबी जात यात्रा मेरे ख्याल में कोई और नहीं है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी इस अर्थ में बहुत सरल है जैसा कि यहाँ करीबन 15-20 हज़ार लोगों ने देखा। नमस्ते। मेरे बाईं ओर राजगुरु श्री भुवन नौटियाल जी बैठे हैं और मेरे दाईं ओर श्री अनसुया प्रसाद कोटियाल जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने कि हमारे नंदा देवी राजजात को नौटी से लेकर के यहाँ तक पहुँचाने की पूर्ण जिम्मेदारी ली और बड़ी सफलतापूर्वक वो हमारी यात्रा को यहाँ तक लेके आए। और साथ ही मैं सभी यात्रियों का के लिए मैंने माँ भगवती से जो उनकी जो भी मनौतियाँ थी उन मनौतियों को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती से हर पड़ाव पर मैं प्रार्थना करता रहा। और साथ ही सभी यात्रियों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं भी देता हूँ कि वो यहाँ तक जो हैं भली प्रकार से सारे यात्री पहुँच गए हैं और आगे भी वो अपने गंतव्य तक जो हैं माँ भगवती के आशीर्वाद से अपने गंतव्य तक पहुँच जाएँगे। जहाँ तक राजजात के इतिहास का सवाल है कि जो चांदपुरगढ़ है, चांदपुरगढ़ में सबसे पहले कनकपाल आ बसे। कनकपाल की सातवीं पीढ़ी में सालीपाल आए। सालीपाल के छोटे भाई जो कि कांसवा गांव में बसे, तब से नंदा देवी राजजात की जिम्मेदारी कांसवा के कुंवरों के ऊपर है। और मैं डॉक्टर राकेश सिंह कुंवर इस 2000 की यात्रा का संचालन मैंने किया और इससे पूर्व में सन 87 में मेरे पिता कुंवर बलवंत सिंह ने इस राजजात यात्रा का संचालन किया। सन 68 में मेरे दादा ने इस राजजात यात्रा का संचालन किया। 51 में मेरे बड़े दादा कुंवर ध्यान सिंह जी ने इस यात्रा का संचालन किया और सन 25 में मेरे बूढ़े दादाजी कुंवर केसर सिंह जी ने इस यात्रा का संचालन किया। और काफ़ी लंबे समय से कुंवर लोग इस यात्रा का संचालन करते आ रहे हैं। घाट से बस द्वारा लौटी पहुंचकर भव्य पूजन होता है और इस तरह पूरी होती है नंदा देवी की राजजात यात्रा। जय बोला तेरु चौसिंग्या खाडू तेरी छतोली